दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और एक न्यू ब्लॉग में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त ही होंगे दोस्तों, और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम लोग बहुत ही व्यस्त है दोस्तों, तो सुबह का हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, और इसलिए हम अभी दोपहर से वीडियो बनाना शुरू की हूँ दोस्तों। कहे कि 2-3 दिन बहुत ही बारिश हुई, तो काम तो कुछ हो नहीं रहा था। कपड़ा लत्ता जो भी है सारा काम पेंडिंग रह गया था, तो अभी सारा काम हो रहा है। तो देखिए, इधर हम लिपाई कर लिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। धूप आ गया तो इधर देख रहे हैं चूल्हा सबको अच्छा से लिपाई कर लिए दोस्तों। और इधर अरवा चावल सुखाने के लिए निकाली हूँ, और उधर गेहूँ पिसवाएंगे, कहे कि हम लोगों का आटा भी ख़त्म हो गया है, नहीं तो फिर रोटी खाने के लिए भी नहीं मिलेगा आटा ना बेटा। तो हम लोग अभी गेहूँ को सुखा लिए हैं, तो फिर हम लोग उसको पिसवा भी लेंगे। और उधर में देखिए, मेरे हस्बैंड जी रास्ता बना रहे हैं पत्थर। उधर बारी में हम लोग आलू सब लगाए थे दोस्तों, तो उधर से पत्थर निकला था, आप लोग देख पा रहे हैं पत्थर कितना बड़ा बड़ा है, वही खेत से निकला है। तो अभी इसको मेरे हस्बैंड जी मिट्टी के साथ मिक्स करके अच्छा से बना रहे हैं रास्ता। बहुत ही अच्छा रास्ता बना लिए दोस्तों, बस यहाँ पर थोड़ा सा बनाना बाकी है। आप लोग देख लीजिए क्या हुआ, यहाँ पर ओल कांदा है, आपको बोले थे ना पहले ही। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओल कांदा अपने से उगा था, मेरे हस्बैंड रास्ता बना रहे हैं तो उनको पता नहीं चला कि यहाँ पर ओल कांदा था। ऐसे ही कोड़े तो मतलब आधा कोड़ा गया, खैर कोई बात नहीं, उसको आज बना लेंगे। अच्छा, देसी है कि देसी? देसी तो नहीं लग रहा है ना, देसी वाला ही है। ओ देख लीजिए दोस्तों, ओल है ये। इधर बहुत अच्छा से बना लिए दोस्तों रास्ता हम लोगों का। इधर हम लोगों का वॉशरूम है, और यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे ही सामान रखने के लिए, जैसे कि तो कुछ काम का चीज़ है, जैसे घर में नहीं रहे तो ये रूम में हम लोग रखते हैं दोस्तों। और इधर में तो हम लोगों का वॉशरूम है, आप लोग दे रास्ता है। इधर भी पत्थर पूरा है, और देखिए इधर तो आलू पूरा लगा हुआ है। आप लोगों को तो मैं हमेशा ही दिखाती हूँ, सुंदर लग रहा है धूप आया तो। और कपड़ा लता है वो सारा धो लिए हम लोग, आप लोग देख लीजिए। और मेरे हस्बैंड जी अभी छुट्टी में है, इसी के चलते आज बना लिए, नहीं तो वो तो ऐसे भी रोज डेली दौड़ दौड़ के जाते हैं दोस्तों, तो बना नहीं पाते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड जी अच्छा से रास्ता बना लिए, अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। बारिश होती थी तो पूरा हम लोग पानी में चलते थे, अभी इसको थोड़ा सा ऊंचा बना दिए तो अच्छी तरह से बन गया। आज दोपहर का खाना भी नहीं बना है दोस्तों, कल का बासी को ही खाए थे, कल ज्यादा पका हुआ था तो कल हम लोग खत्म कर नहीं पाए थे, तो आज उसी को गर्म करके खा लिए थे। अभी दोपहर का खाना मैं कुकर में बना रही हूँ दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। कुकर में चढ़ाई हूँ, सिटी बजेगा 1-2 बार तो मैं इसको ऑफ कर दूंगी और उसको पसा लूंगी। ज़्यादा ही ठंडा लग गया था इसको बाबू को, और नाक मुंह से बहुत ही वोमिटिंग हो रहा था एकदम। हम लोग अकबका गए थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और हम लोग डर गए थे। और रात में ही हम लोग 12-1 बजे आग चला के बाबू को अच्छा से सेके, तब जाके बाबू थोड़ा सा ठीक हुए। फिर हम लोग उसको रात भर ऐसे ही अपना गोदी में रख के हम लोग सुला के सुबह किए दोस्तों। तो बच्चों को अभी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसम भी खराब किया था तो बच्चों का भी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, बच्चों का सिर्फ नहीं बड़ों का भी। आज सुबह हम लोग की बड़ी माँ फिर से गिर गई है दोस्तों, तो हम लोग बड़ी माँ को देखने के लिए जा रहे हैं, यानी कि हम लोग का बाबू का नानी को देखने जा रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोग तैयार हुए हैं शाम के समय में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों को नानी से मिले उसको हम लोग दिखा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हम लोग का वीडियो पसंद होगा तो आप लोग जरूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए,
आज के लिए बाय बाय।